छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले पिछले 6 फरवरी से जारी सहायक शिक्षकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने राजधानी रायपुर में इसकी घोषणा की है। अब इसके बाद सहायक शिक्षक सोमवार से स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि समाप्ति की घोषणा होते ही बहुत से शिक्षक नाराज भी दिखाई दिए। हालांकि जिलावार क्रमिक हड़ताल जारी रखने की बात मनीष मिश्रा ने कही है, जिसके तहत सभी जिलों को एक सीरियल प्रदान किया जाएगा। उसके तहत जिस जिले का नंबर होगा वहां के सहायक शिक्षक उस दिन अपने जिले में हड़ताल करेंगे। इस प्रकार एक दिन में एक जिला हड़ताल करेगा और बाकी जिले के सहायक शिक्षक स्कूल में सेवाएं देंगे। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक परिषद के जितने भी हमारे सदस्य, जितने भी मंत्री पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्ष, संकुल अध्यक्ष और जितने भी समस्त संगठन के सदस्य, सबको सूचित किया जाता है कि जो हमारे आंदोलन है, यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। कल से आरटीओ नंबर के हिसाब से जो जिला का नंबर आएगा, कल रायपुर जिले का नंबर है, उसके बाद परसों धमतरी जिले का नंबर है, उसके बाद महासमुंद का नंबर है। इसी प्रकार से यह आंदोलन जो है क्रमिक लगातार, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक जारी रहेगा। मैं मनीष मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक परिषद। बता दें कि वेतन विसंगति को लेकर आज हजारों की संख्या में नवा रायपुर पहुंचे शिक्षकों ने सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने तूता धरना स्थल के पास ही रोक दिया। बाद में शिक्षकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। एनपीजी का डिजिटल चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।